आईपीएल 2021 ऋषभ पंत की कप्तानी पर भड़के वीरेंद्र सहवाग, बोले 10 में से 5 नंबर भी नहीं दूंगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने दिल्ली कैपिटल के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच 1 रन से हार जाने के बाद ऋषभ पंत की कप्तानी की आलोचना की है। उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिली दिल्ली कैपिटल की इस हार के बाद ऋषभ पंत पर भड़कते हुए स्मार्ट कप्तान मानने से इनकार कर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी के अंतिम ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने 23 रन दिए, जिसमें एब डिविलियर्स ने कई शानदार शॉट खेले। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के हीरो मैन ऑफ द मैच रहे अमित मिश्रा अपना कोटा पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ 3 ओवर डाले और ग्लेन मैक्सवेल के महत्वपूर्ण विकेट को झटका। सहवाग ने ऐसे में ऋषभ पंत की कप्तानी की आलोचना की और उनकी कप्तानी को 10 में से सिर्फ 3 नंबर दिए। नजफगढ़ के नवाब के नाम से मशहूर सहवाग ने इस युवा खिलाड़ी से अपने गेंदबाजी संसाधनों का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए आग्रह किया। वीरेंद्र सहवाग ने क्रिक बज के साथ बातचीत में कहा, मैं ऋषभ पंत की कप्तानी को 10 में से 5 नंबर भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप बस ऐसी गलतियाँ नहीं कर सकते। यदि आपका मुख्य गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर रहा है तो आपकी गणना गलत हो जाती है। ऐसे में आपकी कप्तानी पर सवाल उठता है। आपको इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है, एक कप्तानी को स्थिति के अनुसार अपनी गेंदबाजी संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आपको यही सीखने की ज़रूरत है या फिर आप गेंद जिसे चाहे उसे सौंप दे। एक कप्तान की क्षमता को इस बात से मापा जाता है कि वह कैसे खेल को घुमाता है। उसे उसी हिसाब से गेंदबाजी या मैदान की स्थिति में बदलाव करने की ज़रूरत है, सहवाग ने कहा। इसलिए अगर ऋषभ पंत एक अच्छे कप्तान बनना चाहते हैं तो उन्हें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा। स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगा, तभी वह स्मार्ट कप्तान बन सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मंगलवार को 172 रनों का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही थी। अपनी आधी पारी में उन्होंने अपने विकेट गंवाए और जरूरी रन रेट को बनाए नहीं रख पाए, लेकिन सिमरन हेटमायर ने टीम को मैच में वापसी करवाई। उन्होंने 25 गेंदों में 53 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के जड़े। वह ऋषभ पंत ने 48 गेंदों में 58 रन की पारी खेली, लेकिन वे कभी भी पर्याप्त तेजी लाने में सक्षम नहीं थे। अंतिम 2 गेंदों में दिल्ली कैपिटल को 10 रनों की ज़रूरत थी। ऋषभ पंत ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर 2 चौके जड़े, लेकिन उनकी कोशिश दिल्ली कैपिटल को जीत दिलाने में नाकाम रही।